ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم ونصلي ونسلم على آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المكرمين وجميع أولياء أمته وصلحاء ملته والعلماء العاملين وعلينا معهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم مؤزز سامعين وسامعات سامعات و جملة مشايخ و علماء كرام أساتذة طلبة وطالبات अल्लाह इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफीक से हम इस्लाम में जो अकायद हैं, उनकी सही ताबीर तशरी के हवाले से कुरान सुन्नत की रोशनी में एक सिलसिला गुफ्तगू कर रहे हैं जिसका है अक़ायद सहीहा कुरान सुन्नत की रोशनी में पहली तीन नशस्तों में हमने अल्लाह जल्ला मजदहू की तोफ़ी से सिर्फ ये नुकता वाजे किया कि इस्लाम के बाब में अकायद सहिया क्या हैं और अकायद बातिला क्या है अकायद असूल हों या फ्रू उनकी दुरुस्त बीरों तशरी या गलत ताबी तशरी इसमें फर्क करने इम्तियाज करने का पैमाना क्या है उस मेथोडोलॉजी और उस फार्मूला की अहमियत पर जरूरत पर और नागुजीरियत पर इंडिस्पेंसिबिलिटी इस पर बात की ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जब तक एक वाज मैथडोलोजी हदीस यानी सुन्नत की रोशनी में हम अपने सामने नहीं रखेंगे और ख़ुद को उस असूल कायदे और जबते और फार्मूले का पाबंद नहीं बनाएंगे कुरान सुन्नत के हवाले से अकायद और अहकाम और असासी तालीमत जिन पर ईमान और कुफर का दारोमदार होता है या हिदायत और जलालत यानी गुमराही का दारोमदार उस वक्त तक हम कभी दीन की सही तालीम नहीं दे सकते और उम्मत को या आमतनास को हम सही रहनुमाई फराहम नहीं कर सकते तफरके होते रहेंगे धड़े पैदा होते रहेंगे ग्रोह पैदा होंगे और हम अपनी सियासी मजहबी दीनी क्यादतों के छोटे छोटे बुत बनाकर उम्मत को धड़ों में फिरकों में टुकड़ों में बांटते रहेंगे ज़रूरी है कि हम एक पैमाना समझ लें और वो पैमाना कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर कायम हो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम के तहत हो और जब ताबीर तशरी करें किसी अकीदे की किसी मसले की किसी हुक्म की तो वो दुरुस्त है या गलत है उसे जांचें उस पैमाने की रोशनी में उस मेथोडोलॉजी की रोशनी में और ये ना देखें कि कौन क्या कह रहा है लिहाजा उस पैमाने की अहमियत और ज़रूरत पर हमने तीन नशस्तों में गुफ्तु की आज उसी पैमाने और उसी मेथोडोलॉजी पर हम आगे बयान को शुरू कर रहे हैं कि वो मेथोडोलॉजी क्या है और उस मेथोडोलॉजी का आज पहला नुक्ता लेते हैं इसमें कोई शक नहीं कि अकायद इस्लामी का बाब हो या हकाम इस्लामी का या जुमला तालीमत शरीयत का उसका सबसे पहला मसदर मम्बा माखज उसका पहला औरिजन और पहला सोर्स वो क़ुरान मजीद है और मैंने जो तिलावत की आया है करीमा उसमें यही फरमाया गया है बेशक ये कुरान पुख्ता और सीधे राह की तरफ़ रहनुमाई फरमाता है तो कुरान मजीद मस्दर अव्वल है अकायद में जितने असूल हैं उनको बुनियादी तौर पर कुरान मजीद से लिया जाएगा अहकाम में जितने उसूल हैं उन्हें कुरान मजीद पर बेस किया जाएगा यहां तक मेथोडोलॉजी के चैप्टर में यहां तक कोई इख्तलाफ नहीं है कि कुरान मजीद फर्स्ट सोर्स ऑफ गाइडेंस है कुरान मजीद फर्स्ट फंडामेंटल सोर्स ऑफ लेजिसशन है कुरान मजीद फर्स्ट बेसिक सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉज है इस्लामिक फेथ के लिए बेसिक सोर्स है हती के आप इस्लामिक मोरालिटी को ले लें इस्लामिक स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को ले लें सोशल वैल्यूज़ को ले लें आदाब को लें अखलाक को लें मसाले को लें मामला को लें जितना बढ़ाते चले जाएँ तो हर चीज़ का जो असल सोर्स है सबसे पहला वो कुरान मजीद है लेकिन इस सिलसिला कलाम में चूंकि हमारी तरकीज कंसेंट्रेशन अकायद पर है सो हम अकायद पर अपने आप को महदूद रखेंगे तो मैंने अर्ज किया कि यहां तक तो कोई इख्तलाफ नहीं उम्मत में किसी तबके को इख्तलाफ कहाँ से शुरू होता है इस शिक में फिर एक अख्तिलाफ क्रिएट कर दिया गया और वो ये कि बाज लोगों ने अकायद के तयन में या उसकी सही ताबीर तशरी में या अहकाम इस्लामी के तयन में या ताबीर में तशरी में अहकाम शरीय की ताबीर व तशरी में बल्कि उनके मुतन करने में और उनको मानने में या किसी चीज़ के रद्द करने में कुरान को सिर्फ़ पहला सोर्स नहीं माना बल्कि ये कह दिया कि सिर्फ कुरान ही काफी है उसके साथ सुन्नत की हुज्जियत का इनकार कर दिया और ये जब कह दिया कि हम सिर्फ कुरान को हुज्जत मानते हैं तमाम दीनी दुनिया मामला में तमाम शरी मामला जो कुछ कुरान में है कुरान से साबित है उसको मानेंगे और जो कुरान में नहीं उसको नहीं मानते जब आपने हसर कर दिया और ये कहा कि सिर्फ़ कुरान ही काफ़ी है और कुरान के सिवा कोई और सोर्स जब कहते हैं ना कोई और सोर्स तो इशारा ऐसा कहने वालों का सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहदीस नबवी की तरफ होता है कि हम हदीस की हजत को नहीं मानते हम सुन्नत नबवी की हजीत को ऑथेंटिसिटी को अथॉरिटेटिवनेस को उनके इंडिस्पेंसिबल होने को शरी बार से हजत होने को नहीं मानते हम उनको इस्लाम के अहकाम में अकद में कवायद में सोर्स नहीं मानते बेसिक फंडामेंटल सोर्स तो गोया सुन्नत और हदीस नबवी की हुज्जियत का यानी उसके हुज्जत होने का उसके बाइंडिंग होने का इनकार कर दिया और कह दिया सिर्फ कुरान काफ़ी है तो जब यह कहा कि सिर्फ कुरान काफ़ी है हम हदीस और सुन्नत को हुज्जत नहीं मानते तो याद रख लें यह अकीदा रखना खुद कुरान की नफ़ी और कुरान का इनकार है ये इट सेल्फ या कुफ्र है या इलाहाद है इसलिए कि अगर तो क्योंकि कुरान मजीद के इनकार के भी दो तरीके होते हैं दो सूरतें होती याद रख ले खुद इनकार कुरान के भी दो तरीके एक सराहतन कुरान का किताब इलाही होने का इनकार करना जिस जा में बातिल को रद्द किया अल्लाहबुलजत ने सुरह बकरा के शुरू में ये कह के अब्दुल्लामिन शयतानजीम अलीफिलाीम किताबारही बफी कि अल्लाह की किताब है और इसके किताब इलाही होने में किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है देर इज नो रूम फॉर एनी डाउट तो एक तो इनकार कुरान का सरीह तरीका है कि कोई कहे ये मैं इसे अल्लाह की किताब ही नहीं मानता माजल्ला तखबरल्ला या कुरानी मजीद की बाज़ आयतों का इनकार कर दें कि ये आयत कुरान की नहीं है या इससे जायद का इकरार कर ले कि ये थोड़ी हैं इसके और भी आयतें हैं फलां 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 और वो भी कुरान है या कुरान के अहकाम का इनकार कर दे कि मैं नहीं मानता कुरानी को कुरान को वाजिब नहीं मानता उसकी इतात को उसकी पैरवी को उसके वजूब को उसके लुजूम को उसकी अथॉरिटी को तो सराहतान इनकार हो गया कुरान का ये कैटेगोरी करी कुफर है गया उसने कुरान की तकजीब की कुरान की तस्दीक ही नहीं की यह मुख्तलफ शक्लें उसकी बता दी मैंने पहली सूरत में इसकी एक दूसरी सूरत भी है इनकार कुरान की और वे वो ये कि वो कुरान को अल्लाह की किताब माने कुरानी आयात का इनकार न करे और यही कुरान जो अलहम से उन्नास तक है जो किताब इलाही है इसको कामिल कुरान माने आयत को माने इसकी तस्दीक करें इस पर ईमान लाने का दावा करे मगर जो कुछ इस कुरान में अहकाम अकायद आयत में आया है उसकी ताबील, तशरी ताबीर खुद अपनी मर्जी से करे अब कुरान मजीद ने कहाीम नमाज कायम करो तो म से वन्नास तक कोई आयत आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां असलात के लफ्ज की तारीफ डेफिनीशन बयान की गई हो ये मैं खास बात कह रहा हूं तो जब कुरान कहता है नमाज कायम करो तो साफ ज़ाहिर है कुरान के इस हुक्म की कोई मुराद भी है अल्लाह का कलाम ऐसा नहीं है कि वो बे मुराद बात कर दे नाजिल हो आकल सलाम पर हजूराम वो आयात उम्मत तक पहुँचाएँ अल्फा पहुँचा दें और उन अल्फाज का कोई खास माना मफहम और मुराद मुतन न हो ऐसा नहीं हो सकता जिस कलाम का मुतन माना तो और तो मुराद ही कोई ना हो तो वो तो कलाम लखब हो गया माजल्ला तकफरल और अल्टीमेटली वो कलाम बातिल हो जाता है आयात उतारी जाती हैं मैसेज देने के लिए कमांडमेंट के लिए हुक्म कम्युनिकेट करने के लिए तो वो तभी होता है कम्युनिकेशन कमांडमेंट उम्मत के लिए उसका ऑर्डर जब हर लफ्ज़ का हर आयत का एक हुक्म हो वो किसी चीज़ पर दलालत करे किसी मफहम पर किसी माना पर किसी मुराद पर उसकी एप्लीकेशन हो और उसका एक वाज माना हो मुतन हो और उससे ख़ास मुराद लिया जाए एक अमल एक ये मकसूद है तो अगर वो कुरान के उस माना और मुराद का इनकार करे और अपनी मर्जी से हर शख्स चाहे कि मैं अपनी मर्जी से माना करूंगा तो फिर क्या होगा उससे पूछा जाएगा कि अकीमुस उस सलात का क्या माना है नमाज सलात कायम करो और अलहम से वन्नास तक मैंने जैसे कहा कुरान मजीद में एक आयत भी ऐसी नहीं जहां लफ्ज असलात नमाज इसका इसकी तारीफ की गई हो इससे इससे मुराद इस तरह अल्लाह की इबादत करना है एक हैतिक एक, एक हैत है अल्लाह अकबर करना हाथ यहाँ सीने पर कोई बांध रहा है या नाफ पर कोई या नाफ के नीचे बांध रहा है या खुले छोड़ रहा है मैं इससे बहस नहीं कर रहा हूँ कोई रुकू में खड़े होने में क्याम के वक्त रफ़ा या दें बार बार कर रहा है कोई नहीं कर रहा इससे भी बहस नहीं कर रहा मैं बस बुनियादी हैत की बात कर रहा हूं जो जिस तरह भी नमाज पढ़ता है एक हैत है ना कि आप तकबीर तहरीमा कहते हैं अल्लाह अकबर फिर हाथ बांधते हैं या छोड़ते हैं सना करते हैं नमाज में सुर फातिहा पढ़ते हैं आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं आप रुकू करते हैं रुकू के बाद खड़े होते कौमा होता है फिर सुजूद करते हैं दो बार करते हैं उनमें बैठते हैं फिर खड़े होते हैं कुछ रकतें अदा करते हैं फ़जर में दो पढ़ते हैं जोहर में चार पढ़ते हैं असर में चार पढ़ते हैं मगरब में तीन ईशा में चार पढ़ते हैं फिर उसके औकात हैं एक नमाज़ है आपने सूरज तुलु होने से पहले पढ़नी है वो फजर का वक्त है और इस फजर तुलु होने के बाद एक जवाल के बाद पढ़ते हैं जोहर है एक असर का मुकरर वक्त है दो मिसल से जायद साया हो जाने के बाद शुरू होता है गुरूब से पहले तक है एक इशा का वक्त है तो ये ये सारी चीज़ें खा उसकी हैत हो खा के अंदर तरतीब हो खा उसके औकात हो खा उसके अंदर क्या क्या हैं क्या पढ़ना है किसी लिहाज से भीहम से वन्नास तक पूरे कुरान मजीद में लफ्ज़ असलात नमाज की तारीफ नहीं मिलेगी आपको किरान मजीद को डिक्शनरी की किताब नहीं है कि डेफिनीशन्स दे कोई टर्मिनोलॉजी की किताब नहीं है कि वो टर्म्स क्यों डिफाइन करें तो फिर क्या होगा जिसने कहा सिर्फ कुरान काफी है मैं कुरान के सिवा किसी शय को हुज्जत नहीं मानता तो मतलब क्या हुआ कि दरअसल यह कहकर उसने नमाज का इनकार कर दिया बिलवास्ता जब उसने कुरान के सिवा हज़ूसलम तो की सुन्नत को हदीस को हजत ही नहीं मानना तो नमाज पढ़ने की तारीफ कहाँ से लेगा नमाज का तरीका कहाँ से लेगा नमाज की हैत कहाँ से लेगा नमाज के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो कहाँ से लेगा नमाज़ पढ़ते हुए क्या क्या शक्ल होती है खड़े होने की बैठने की, की उठने की कादा की सलाम फिरने की वो कहाँ से लेगा तो नमाज की तो सूरत ही सामने नहीं आएगी तो कुरान ही काफ़ी है और सुनत और हदीस को हजत ही नहीं मानना तो फिर नमाज का तयन कैसे करेगा लामो अला फिर वो सलाद के मानी देखेगा कुरान में तो उसका माना दुआ देना भी है और फिर भी शुमार मानी है लुगत में जाएगा तो लुगत में छप्पन माने हैं लफ्ज सलाद के फिफ्टी सिक्स अब मैं उन तफसीलात में नहीं जाना चाहता सिर्फ बता रहा हूं यह तो भाई एक खास हैत के साथ अल्लाह की इबादत करना मखसूस औकात में वह इबादत करना और इन इन सूरतों को उसमें दाखिल करना शक्लों को और ये ये कुछ पढ़ना ये जो पूरा एक पैकेज है इसको सलात पूरे डिफाइंड पैकेज को इसे तो हजूर असलातम की सुन्नत ने सलात करार दी ये डिफाइंड पैकेज ये तो कुरानी मजीद में कहीं नहीं इसे तो अकाल सलातम ने फरमाया सलू कमा ई तून तो सिबा कराम ने पूछा यारसूल नमाज किस तरह पढ़ें लामों सवाल पैदा होता है तो गोया ये अकीदा सिहबा कराम की रविश के खिलाफ बगावत हो गई इस्लाम के खिलाफ बगावत हो गई हजूसलम ने यह तालीम सिहबा को दी ही नहीं थी कि कुरान में आ गयाीम उसलाद नमाज़ पढ़ो और सिर्फ़ कुरान काफ़ी है अगर सिर्फ़ कुरान काफ़ी है तो फिर सेद नबू बकर बैठ जाते वो अपनी समझ से इसका माना निकालते सीधना उमर अपनी समझ से निकालते सीधना उस्मान अपनी समझ से निकालते सीधना अली अपनी समझ से निकालते अब्दुल्ल अपने मसूद ख़ुद कोई माना निकालते कुरान की आयतों से जिसको जो समझ आती वो कहता ये नमाज़ है कोई कहता ऐसे मुराकबे में बैठना सलात है कोई कहता अल्लाह अल्लाह करते रहना सलात है कोई कहना दिल को अल्लाह की याद में शागिर रखना सलाद है कोई कहता दुआ अल्लाह से मांगना सलाद है अल जितने मानी बनते हैं वो हसब हर बंदा उसको नमाज़ कह देता यह लफ सलाद को नमाज कहना ये भी कुरान में कहीं साबित नहीं है ये तो हमने माना दिया है ना उसका इसलिए कि उस खास हैत जो इबादत की हैत है वो नमाज है और वह हजूराम ने मुतिन की है समझाई है आकल इस्लाम ने खुद पढ़ के दिखाई है उसकी उसकी तफसील से आगाह किया है तो यह सुन्नत के जरिए लफ्ज सलाद का माना मुतन हो गया तो गोया जिसने कहा सिर्फ कुरान काफी है और मैं कुरान के सिवा किसी चीज को हज्जत नहीं मानता तो वो दरअसल ये कहकर नमाज की फर्जियत का भी इनकारी हो रहा है तो उसने तावील बातिल की ये इलाहाद हो गया और ये भी कुफर की एक सूरत हो गई कुफर हो गया जब बातिल तावीलात की तो यूं कुरान का इनकार ना हुआ आयात को माना कुरान को माना इसकी किताब इलाही होने को माना मगर जब हकाम और आयात और अकायदाई तो उनके लिए हुजूर हजूर सलातम से रहनुमाई नहीं ली उसको हजत नहीं माना तो जो उसके दिमाग में आया ये तावील अपनी राय से की तावील बातें हुई तो ये कुफ़्र की वो शक्ल है जिसको इलाहाद कहते हैं तो ये कहना कि सिर्फ कुरान काफ़ी है और कोई शह हजत नहीं यह सिवाय कुफ्र और इलाहाद के कोई तीसरी चीज़ नहीं है ये इनकार कुरान है अब जो मैंने मिसाल आपको नमाज की सलाद की दे दी इसका इतलाक आगे हर चीज़ पर करते चले जाएं इसका इतलाक रोजे पर भी कर लें सौम पर अब मैं बाकी चीजों की डिटेल में नहीं जाऊंगा इशारा काफी है जैसे लफ्ज सलाद की वाज तारीफ कुरान में आपको नहीं मिलेगी अगर सुन्नत और हदीस नबी को छोड़ दें इस तरह असोम रोजा उसकी वाज तारीफ उसकी बाउंड्रीज उसकी लिमिटेशन उसकी कंडीशन उसकी प्रॉपर उसको डिफाइन करना उसकी लीगल हदूद क्या क्या चीजें वो तोड़ता से टूटता है रोजा किन किन चीजों से नहीं वगैरह वो कुरान में नहीं मिलेगी कुरान लॉ की किताब नहीं है कि आपको डिटेल्स में डिफाइन कर दे तो गोया रोजे से भी जान छूट गई तो वो उससे कोई और माना निकाल लेगा सोम का माना इमसाक है रोकना खुद को तो कोई ये कह देगा कि कुरान ने बंदे को कहा है कि इतने बजे से इतने बजे तक अपने आप को रोको कोई कह देगा गाली गलोच से रोको कोई कह देगा गुस्से से रोको कोई कह देगा कि लोगों के साथ झगड़े से रोको अपने आप को बुरे ख्याल से रोको नफसानी ख्वाहिशात से रोको अब वो इम्साक है रोकना है वो पता नहीं हज़ार चीज़ें हैं कोई किसी शहर को रोकना रोजा कह देगा कोई किसी शह से रोजा कह दे तो जो मन में आएगा तावील करता रहेगा ये कुफरोलह हाथ हो गया इस तरह जकवात का हुक्म दिया जकवात दो कुरानी मजीद में जकवात की तारीफ नहीं मिलेगी आपको उसका निसाब नहीं मिलेगा कितने माल पर जकवात होती है कितनी मुद्दत के बाद होती है किस किस शह पर होती है किस किस पर वाजिब है नहीं है सिर्फ मद्दात बयान कर दिए कि जिन पर लगती है जिनको दे सकते हैं तो गोया नमाज से भी गए रोजे से भी गए जक़ात से भी गए इस तरह हज से भी गए हज के फर्ज़ होने का जिक्र आ गया मगर जिस तरतीब से आप हज करने जाते हैं हर कोई किसी न किसी दिन जाता ही है ना और जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ कुरान काफ़ी है, हम किसी शह को नहीं मानते वो गाल इनमें से कोई अमल भी नहीं करते वो नाम के मुसलमान हैं झूठा नाम है उनका उनवान वो हज क्या करेंगे हती कि तो काबे को भी नहीं मान सकते कुरान ने काबे का जिक्र जरूर किया मगर जियोग्राफिकली जोग्राफिया में कुरान ने हाथ लगा के बताया कि इस घर का नाम काबा है इस काले रंग का जो गिलाफ है इस पत्थर का जो कमरा बना हुआ यह काबा है कि कुरान ने उंगली लगा के बताया है जोग्राफिया की किताब तो नहीं है कुरान ने उसका कब जोग्राफिया बताया है कोई कह देगा जो सिर्फ कुरान को काफ़ी कहता है वो कहता कि क्या कुरान ने तो बताया ही नहीं कि ये जो कमरा है ये घर काबा है मुमकिन है इस फासले पर एक मील फासले पर कोई और था वो मिसमार हो गया कोई कहेगा कि दूसरी चौथी गली में एक और था वो मिसमार हो गया अगर आप कहेंगे कि यही काबतुल्ला है तो कुरान से लाए निकाल के कि यही काबतुल्ला है उसने कोई मेजरमेंट्स करके तो नहीं बताएँ कि फलां जगह से इतने फासले पर फलां जगह से इतने फिट पर क्या है तो आप तो काबे को काबा ही नहीं मान सकते अरफात को मीना को मुजलफ़ा को किसी शह को नहीं मान सकते सफा मरवा को क़ुरान मजीद ने भाई इन जगहों का नाम लिया है आपको इनका जोग्राफिया मेजरमेंट्स बता के निशानदेही तो नहीं की कि ये जगह ये मैदान है ये पहाड़ है ये सब कुछ क्या है ये इजमा के साथ चला आ रहा है नस्ला बा आकाम ने तयन किए हैं ये तयनात मोहम्मद ही हैं सल्लाको आकलम ने मुकर किया है इन जगहों को जो कुरान ने बयान की थी फरमाया ये काबा है ये हजर असवद है ये हतीम है ये मताफ है ये सफा और मरवा है ये मीना है ये मुस्तलफा है ये अराफात है फिर उसका तरीका है अब कुरानी मजीद ने अहराम का जिक्र कर दिया अब पूरे कुरान में बता दीजिए कि अहराम की तफसील कहीं कुरान ने दी हो इस तरह की दो चादरें होती हैं और उसमें ये ये शरायत होती हैं की क्या शरात फिर मीक़ात हैं कहाँ बांधना है अहराम और कहाँ छोड़ना है कब छोड़ना है कुरान ने तो किसी चीज़ को डिस्कस नहीं किया सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट दे दिया एक टर्म दे दी है अब भाई उनको मुतन कौन करेगा उनकी डिटेल्स कौन मुतयन करेगा उन्हें उन्हें बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन के काबिल कौन बनाएगा प्रैक्टिस के काबिल कौन बनाएगा उनको पूरे तौर पर उसकी फिजिकल जो उसकी एक फॉर्म है फॉर्मलाइज कौन करेगा वो कुरान तो नहीं करता वो तो सुन्नत नबवी और हदीस नबवी ने किया उसके हजत होने का आपने इनकार कर दिया तो सारा दीन उड़ गया हज भी गया जकवात भी गई रोजा भी गया नमाज भी गई इसी तरह बाकी अकायद को ले लें तो अकाद की आयात हैं उनकी तफीलत हैं कुरानी मजीद उनकी तफरीयात उनकी ब्रांचेज और उनकी तश्रियात और उनकी ताबीरत आगे नहीं करता तो मतलब बात का ये है कि यह कह देना कि सिर्फ कुरान काफ़ी है मैं मैथडोलॉजी की बात कर रहा हूँ जो लोग कीदे का अकायद का फैसला और हकाम का और दीन का फैसला सिर्फ कुरान को हजत जानकर महज कुरान से करना चाहते हैं वो दरअसल कुरान का मुतलान कर रहे हैं इबताल कर रहे हैं जुटला रहे हैं तकजीब कर रहे हैं इनकार कुरान कर रहे हैं पूरे दीन का इनकार कर रहे हैं दरअसल वो पूरे दीन से गुरेज चाहते हैं पूरे दिन से गुरेज चाहते हैं और दिन से छुटकारा चाहते हैं और छुटकारा चाहने के लिए एक आसान तरीका तलाश कर लिया उन्होंने कि नाम भी रहे और काम से जान भी छूट जाए तो यह कह दिया कि सिर्फ कुरान काफी है अब सिर्फ कुरान काफी है तो उससे आपको दीन की कोई अमली ही पैदा नहीं होती लिहाजा ये कुफर इलाहाद है इसी वजह से फिर बाज लोगों ने आगे जहां भी कुरान और हदीस अल्लाह और उसकी रसूल की इताद का जिक्र आया क्योंकि रसूल की, की इताद को मानना नहीं था तो अल्लाह की इताद की शक्ल कोई नहीं है प्रैक्टिकल जब तक रसूल की डेमोस्ट्रेशन ऐड न की जाए अल्लाह ने तो नमाज पढ़ के नहीं दिखाई आपको अल्लाह ने तो रोज़ा तो रख के नहीं दिखाया अल्लाहबुलज्ज़त ने तो आके यहाँ हज करके नहीं दिखाया आपको अल्लाह रब इज़्त ने माल तो पर जक़ुत दे के तो नहीं दिखाई अल्लाह रबत ने अकद और अमाल के मामल खुद प्रैक्टिस करके डेमोंस्ट्रेट करके उनकी फिज़िकल उनकी फॉर्म्स और फॉर्मेशंस तो नहीं दिखाई आपको इन चीज़ों के लिए तो रसूल भेजे अल्लाह रबत ने अल्लाह ने अपने पैहम्बर भेजे ताकि जो जो वो फरमाता है अल्लाह रबत उसकी अमली शक्ल रसूल उम्मत के सामने पेश करता है और तब दीन की समझ आती है तो जब आपने रसूल को काट दिया रसूल के फरमान को अमल को हदीस को सुन्नत की हुज्जियत को अथॉरिटेटिवनेस को काट दिया मुस्तरद कर दिया तो खाली कुरान रह गया मुजरद कलाम तो फिर उसका तो फिर माना ये हुआ कि फिर वो अपनी मर्ज़ी से माने घड़ेंगे तो ऐसे लोगों ने जहाँ अल्लाह रसूल की इताद का जिक्र आया उससे फिर मरकजी हुकूमत मुराद ले ली उन्होंने अब रहा कुछ नहीं है ना नादले के सिमराध मरकजी हुकूमत है फेडरल गवर्नमेंट है या मीर है या प्रोविंशल गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के जो आकाम है उनको मानना अल्लाह रसूल की इतात है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट तो फिर यजीद की भी थी तो फेडरल गवर्नमेंट तो आज तक भी चली आ रही है हर मुल्क में फेडरल गवर्नमेंट होती तो देखो ना दीन बिखर गया दीन खत्म हो गया तो एक मजाक उड़ा दिया दीन का फिर ये कहा कि जो शरीयत मोहम्मदी हजूर सलाम ने दी ये कह कर के सिर्फ कुरान काफ़ी है तो वो जो पूरी शरीयत का एक जसद है पूरा जिस्म है जिसको स्याब कराम अमन प्रैक्टिस करते थे आकल इस्लाम की सुन्नत से आकल इस्लाम की वजाहत से आकल इस्लाम की तफसीर से आकल इस्लाम की तबयीन से आकल इस्लाम की ताजीन व ताबीर से आकल इस्लाम की तश्कील से लम्हा लम्हा कदम कदम पे सवाल करते यार्लाकुमाया कुरान का कैसे करना है इसका क्या माना है ये कैसे सर अंजाम दे आकल इस्लाम उन्हें फिर प्रैक्टिस की शक्ल बताते इस तरह इस्लाम का जसद बनता चला गया एज ए सिस्टम एक एम्बोडीमेंट ऑफ इस्लामिक टीचिंग एम्बोडीमेंट हो गई इस्लाम एक अमली जसद बन गया एक अमली नमूना बन गया एक अमली निजाम बन गया तो सिहाब कराम प्रैक्टिस करते थे अब ये कहने वाले अगर इस मेथोडोलॉजी को ले लें कि सिर्फ कुरान काफी है अब ये फितना बहुत आम हो रहा है हर वो शख्स जो दीन को मलन प्रैक्टिस नहीं करना चाहता हराम पीना छोड़ना नहीं चाहता हरामकारी छोड़ना नहीं चाहता जो रातों को मखसूस तरीके से गुजारना चाहता है हम प्याला हम नवाला रहना चाहते हैं जो लोग जो प्यालों और जाम की मजालस सजाना चाहते हैं हर किस्म का हराम खाना चाहते हैं हर किस्म का हराम करना चाहते हैं आदाब अखलाक शर्म और हया की कदरों को ठुकराना चाहते हैं मादर पिदर आजाद जिंदगी चाहते हैं उन्होंने इसको अपना रखा है इस फलसफे को और अपनाते चले जा रहे हैं क्योंकि आसानी से छूट मिल जाती है सुन्नत को छोड़ा हदीस नबवी को छोड़ा अहकाम रिसालत को छोड़ा खाली कुरान रह गया जब कुरान में गए तो किसी शहर की ताबीर तशरी ताजीन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ही नहीं तो जो जी में आया माना करते चले गए तो इसलिए उन्होंने कहा कि फिर वो जो शरीयत हजूर सलाम ने दी थी वो सिर्फ अपने उनके जमाने के लिए थी वो अरबों का दौर था चौदह पंद्रह सदियां पहले का दौर था उनका एक मखसूस कल्चर था एक मखसूस उनके सोशल सर्कमस्टांसिस थे उनके मखसूस सोशो पोलिटिकल सर्कमस्टांसिस थे मखसूस इकोनॉमिक कंडीशन थी मखसूस कल्चरल कंडीशन थी उनके मुताबिक हजूल इस्लाम ने प्रैक्टिस करके दिखाया सो वो शरीत उस अहद मुबारक के लिए सिर्फ उस जमाने के लिए थी उसके बाद हमारे लिए नहीं है शरीय का भी इनकार गई शरीत अब हम इस्लाम पर अमल कैसे करेंगे या उन हकाम की अमली शक्ल क्या होगी जो पार्लियामेंट मुतन करेगी अब ये उन्होंने तस्वर बनाया जो मजलै से शूरा जिसको मुतिन करेगी जो डिफाइन करती चली जाएगी तो ये एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी बन गई दीन पर भी जो वो नमाज कह दें जो रोजा कह दें जो उसकी हदूद कर दें, जो उसके निसाब को मुकर कर दें जो चाय कर दें जिसको लागू कर दें हुक्म को जिसको मुअल कर दें तो पार्लियामेंट को बना दिया गया शरीयत का बनाने वाला तो अलगरज ऐसा सोचने से दीन की टोटली नफी हो जाती यह मैंने आपको एक एनालिसिस दिया है अब इसी तस्वर को आगे हम लेकर बढ़ते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और यह आज के दौर में बहुत अहमियत इख्तियार करता जा रहा है यह फितना बहुत बढ़ता चला जा रहा है अब इसके ऊपर दूसरा नुकता बताना चाहता हूं समझाने के लिए इस एनालिसिस के बाद कि ये कहना सिर्फ कुरान काफ़ी है सिर्फ कुरान को हजत मानते हैं और किसी शहर को हजत नहीं मानते इसका इम्पेक्ट क्या है इसका इनकार कर ये, ये कहना कुफर है दीन का इनकार है फिनिश अब इससे आगे आते हैं कि ये लफ्ज़ बोलना कि सिर्फ कुरान काफ़ी है और कोई चीज हजत नहीं ये कहना खुद कुरानी कुरानी अकाम ही का इनकार है ये कुरान को हुज्जत मानने वाले ये लफ्ज बोलने वाले कि कुरान ही हुज्जत है सिर्फ ये दरअसल कुरान ही का इनकार कर रहे हैं डेढ़ सौ के करीब आयात करीमा हैं कुरान मजीद में डेढ़ सौ जिनमें हजूर असलातम की इतात आपका उसवा मुबारक आपकी सुन्नत तैयबा आपकी सीरत मुबारक आपके अहकाम आपके फरमोदात आपके अमाल आपकी रविश रविश ज़िंदगी इनको हुज्जत करार दिया है कुरानी मजीद ने अहकाम इताते रसूल को फरमान रसूल को हुक्म रसूल को कज़ाए रसूल को रसूल के फैसलों को रसूल के अहकाम को रसूल की तशरीयात को रसूल की वजाहतों को सल अल्लाह तल वसलम इनको ईमान करार दिया है हुज्जत करार दिया है वाजिब करार दिया है जैसा कि कुरान इट्स मुख्तलिफ अल्फाज और मुख्तलिफ सीखों के साथ डेढ़ सौ आयात करीमा हैं मजीद की इतनी बात जहन में रख लें तो गोया ये कहना कि सिर्फ कुरान हुज्जत है और कुरान के सिवा कोई शह हुज्जत नहीं और इस तरह रसूल पाक सल्लम की सुनत तयबा और हदी मुबारक की जत का इनकार करना यानी उसके हुज्जत होने का इनकार करना कुरान मजीद की सिर्फ अगर डायरेक्ट इस सब्जेक्ट को ले लें तो कम से कम डेढ़ सौ आयात को का इनकार करना है एक आयत कुरानी का इनकार भी कुफर है एक आयत कुरानी का कुफर है तो डेढ़ सौ आयात जो सिर्फ इस सब्जेक्ट पर वारे दुनिया उनका इनकार करना कुफर है और बाकी जो चीजें मैंने पहले बयान की वो इसके अलावा हैं कि पूरे दीन का इनकार है चूंकि दीन की प्रैक्टिकल फॉर्म ही कोई नहीं रहती सुन्नत और हदीस के हुज्जत होने का इनकार करने से वो अलावा इस पर है तो मैं बतौर नमूना चांद आयतें देता हूं फिर मैं ये चीज आयतें अलग अपनी जगह पर आएंगी मगर मैं फिर अगली तरतीब की तरफ आऊँगा ऐसे बतौर नमूना ताकि आपके जहन नशीन रहे किस तरह की आयतें हैं जिनका इनकार वाजिब आता है यह कहने से कि हम सिर्फ कुरान को हुज्जत मानते हैं कोई हदीस और सुन्नत नबी तो हुज्जत नहीं है अल्लाह मसलन अल्लाह इज्जत ने फरमाया या फरमायान व और रसूल ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो आगे चल के मैं थोड़ी बाज आयात की तफसीर करूंगा बाज की चूंकि इस सब्जेक्ट को अगर समझना हो सिर्फ हुज्जियत हदीस को हुज्जियत सुन्नत रसूल को अलैहि वसल्लम को तो मेरा 101 खिताबात की अलग सीरीज है पूरी 101 खिताबात हैं और वो आपके पास उनकी डीवीडीज भी होती हैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल होता है मिनार की वेबसाइट्स पर भी है और क्यू टी पर भी चांद एक मरतबा शायद चल गए होंगे वो एक सौ एक हैं सिर्फ जो हजीत हदीस पर मैंने की है कि हजूल इस्लाम की हदीस आकल इस्लाम की सुन्नत ये हज्जत है तो फिर अगर किसी ने सिस सब्जेक्ट को डिटेल में समझना हो तो वो पूरी सीरीज को सुन लें अब मैं साफ जरा वो एक सौ एक खिताबात, उसका खुलासा भी यहाँ ही लेना चाहूँगा वो अलग सब्जेक्ट है और मेरे खिताबात का पूरा सिलसिला मौजूद है मैं तो एक डिफरेंट जहत से कोशिश करूंगा नई जहतों से कुछ चीज़ें बयान करूँ मुमकिन है बहुत चीज़ों का तकरार हो जाए क्योंकि वो जो सीरीज़ है वह सुन्नत और मुकाम रिसालत पर वो मैंने गालिबा सन 2006 में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने रिकॉर्ड करवाई थी 2006 में उसको छः सात साल गुजर गए तो मुझे अब यह भी याद नहीं कि उसमें मैंने कौन कौन से दलाल दिए डेफिनेटली बहुत से दलाल ऐसे होंगे वो जो कॉमन होते हैं तो कोई चीज़ें मुमकिन है मौजूदा गुफ्तु में रिपीट हो जाएं मगर मैं कोशिश करूंगा मुझे अब याद नहीं है कि उसमें जो अब बयान करूंगा या सब कुछ उसमें बयान हो चुका है या नहीं कुछ चीजें रिपीट हो जाएंगी मगर कुछ चीजें नई जिहत के साथ मैं बयान करूंगा क्योंकि मैथोडोलॉजी में इस नुकते पर बड़ा जोर दे के करना चाहता हूं तक तो इस फितने की जड़ कट जाए जो जो सेकुलरिज्म आम सेकुलर लाइफ मॉडर्निज्म मॉडर्निटी जदीदीत सोसाइटी में जो जो आ रही है पहले एक अलग एहतिकादी फितना था लोग अहले कुरान अपने आप को कहते थे मुनकरीन हदीस कहलाते थे या मुनकरीन हुज्जियत हदीस कहलाते थे अहले क़ुरान अपने आप को नाम देते थे ये एक फ़िरका था एक तबका था एक मकतब फ़िक्र था लोग उसके फॉलोअर थे छोटा सा एक तबका लेकिन अब ये फितना एक और रंग इख्तियार कर गया है वो ये कि जो लोग लादीनियत चाहते हैं और दीन को अमलन अपनी ज़िंदगी से खारिज करना चाहते हैं और अमलन अपनी जिंदगी इनफरादी अपनी खानदान की फैमिली की सोसाइटी की सोशल पोलिटिकल इकनॉमिक एवरीथिंग सारी जिंदगी को दीन से खाली रखना चाहते हैं और ऊपर टाइटल इस्लाम का भी मुसलमान होने का भी बरकरार रखना चाहते हैं और यह कहते हैं कि इस्लाम किसी का ठेका नहीं है हमारा भी उतना ही हक है इस्लाम पर जितना दूसरे अहल इलम का हक है एक चोरी दूसरी सीना जोरी जुमले इस तरह के बोल देते हैं जो नौजवान नस्ल को अपील करते हैं कि इस्लाम का कोई ठेकेदार नहीं ये बात दुरुस्त है भाई अगले को अपील कर दी एक अपीलिंग जुमला बोल के उसके बाद पूरा गुमराही का एक सामान बेच दिया उसके साथ मेरी बात गौर से समझे यानी टाइटल उन्वान एक जुमला अच्छा बोल दिया जो अगले को अपील करता है भाई इस्लाम पर ठेका किसी का नहीं अल्लाह पाक ने हरेक को समझ दी है दीन हरेक के लिए कुरान हरेक के लिए कु फातर और अकल तो नहीं हूं लिहाजा और कुरान है अल्लाह की किताब है सब कुछ उसमें है लिहाजा उसी पर अमल करते हैं अब ये सारे जुमले एक सादाला मुसलमान के लिए अपीलिंग है उसे अपील करते हैं उसकी समझ में आते हैं वो कन्विंस होता है बस इब्तदाई जुमले कन्विंसिंग देकर फिर पूरा सौदा कुफर का बेचते हैं बेईमानी का बेचते हैं इलाहाद का बेचते हैं लादिनियत का बेचते हैं हराम खोरी हराम नोशी से हराम कारी तक पूरा सौदा यह है दीन से वगावत है अमलन तो अब इस वजह से जो लोग अमलन दीन को जिंदगी से निकाल कर दीन को अपनी जिंदगी को दीन से बिल्कुल खाली करके चलाना चाह रहे हैं अब वो एक बड़ा तबका बढ़ता जा रहा है और उन्होंने टाइटल इस्लाम का रखने के लिए यह सहारा ले लिया है कॉन्सेप्ट के वो कुरान के अलावा किसी शह की जरूरत नहीं है यही दायमी किताब है और फिर हदीस और सुन्नत के इनकार के और असबाब बयान कर देते हैं तदवीन के वो तो दो सौ साल बाद में जाके लिखी गई ये झूठ है मैं इस वक्त सब्जेक्ट नहीं मेरा मगर मैं सिर्फ रिकॉर्ड पर लाना चाह रहा हूं जो सुने जो कहता है कि दो सौ साल बाद में लिखी गई मुद्वन की गई ये झूठ है वह जाहिल हैं उन्हें अलिफ बेजीम का नहीं पता है तदवी हदीस की तारीख का हदीस हजूर इस्लाम के जमान अकदस के अंदर आपकी मौजूदगी में आपकी मजलिस में आपके सामने आपकी इजाजत और हुक्म से सब कराम ने लिखी जैसे कुरान लिखा जाता था इसी तरह हदीस भी लिखी जाती थी अब बदकिस्मती यह है कि हमारी सोसाइटी में जिस तरह मैं कह रहा था कि हर शख्स साइंसदान भी है सियासतदान भी है आलिम भी है मुफ्ती भी है मकैनिक भी है डॉक्टर भी है पाकिस्तान में हर शख्स सब कुछ है हर एक के पास कोई ना कोई टोना टोटका है हर चीज़ का और सबसे बड़ा मजलूम दीन है इस्लाम है चूंकि वो कलमा गो है हर शख्स मुसलमान है मुसलमान के घर पैदा हुआ है कभी कभार नमाज जुमा या ईद पढ़ लेता है वो समझता है मेरा बराबर हक है और वो हकदार होकर पर हमला आवर होता है इस्लाम की तालीम पर हमला आवर होता अगर वो ऐसी बात कोई डॉक्टर है कहे बैठकर जो एम डॉक्टर है या स्पेशलिस्ट है मेडिकल डॉक्टर है तो उसके मेडिकल फन के प्रोफेशन में कोई मुदाखरत करना चाहे तो उसको रोकेगा तुम कौन होते हो तुमने एम किया है तुमने स्पेशलाइज किया है मैंने इतनी जिंदगी सर्व की है सब्जेक्ट को पढ़ने में बजा है और मेरी स्पेशलिटी है मेरा एक्सपीरियंस है तुम कौन हो इसमें क्वैक हो अनपढ़ हो और तुम इसके ऊपर लोगों के इलाज करते हो सजेस्ट कर रहे हो बिल्कुल जायज़ बात होगी मुदाखलत नहीं करने देगा जिस तरह भाई तुम अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिटी या मुदाखलत नहीं करने दे रहे तो दीन तुमने कहाँ से पढ़ लिया कितने साल लगाए हैं कुरान की तफसीर पढ़ने में हदीस पढ़ने में उसूल पढ़ने में उूल हदीस पढ़ने में तारीख़ हदीस पढ़ने में तारीख़ तफसीर पढ़ने में फ़िक पढ़ने में कवायद पढ़ने में उल इतिक पढ़ने में उनके खिलाफियात को पढ़ने में फिर उसकी समझने के लिए सार्फोनहब और अरबी अदब को पढ़ने में कितने साल लगाए हैं आपने भाई दुनियावी तालीम के लिए तो सोलह अठारह बीस साल चौबीस साल तक पीएचडी करने तक पढ़ते गए और बीस पच्चीस 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 साल लग जाते हैं पूरे उस उसमें तो तुमने पच्चीस साल लगाए तो आपका राइट है कि कहें कि कोई और इसमें मुदाखलत ना करे दीन पर तुमने पच्चीस माह भी नहीं लगाए एक महीना भी नहीं लगाया प्रॉपर अंग्रेजी किताबों से आपने कुछ मुख्तलिफ लोगों की लिखी हुई किताबें पढ़ ली उर्दू की किताबें पढ़ ली भाई दीन भी एक इल्म है साइंस है सब्जेक्ट है इसके उसूल हैं कवायद हैं हजारहा किताबें इस पर लिखी गई हैं जिस तरह आम आदमी बायोलॉजी पर फतवा जनी नहीं कर सकता कैमिस्ट्री पर नहीं कर सकता माइक्रो बायोलॉजी पर गुफ्तु नहीं कर सकता एस्ट्रोफिजिक्स पर नहीं कर सकता स्पेस साइंसिस पर नहीं कर सकता जोआलॉजी पे नहीं कर सकता ऑटोनोमी पे नहीं कर सकता एक आम आदमी इसी तरह फिर और बेशुमार जैली ब्रांचेज हैं साइंस की ह्यूमन साइंसेस की ब्रांचेज हैं मेडिकल साइंसेस की ब्रांचेज हैं फिर न्यूरोसर्जरी पे आम आदमी बात नहीं कर सकता क्यों? कि इनके लिए उसा चाहिए किताबें चाहिए एक उम्र उम्र चाहिए मुद्दत चाहिए इनकी उसूलों को पढ़ते 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 आदमी एक जगह जा पहुंचता है सिर्फ दीन इस्लाम एक ऐसा रह गया है कि हर शख्स जो उठता है वो कुरान उठा के जो मर्जी का माना कर दे वो कहता है मेरा उतना ही हक है किसने कहा आपका उतना हक है आपका हक उतना ही है मुसलमान होने में मुसलमान कहलाने में यह किसी ने आपसे किसी की इजारादारी नहीं है वो ये होता है कि इजारादारी नहीं है कोई ठेकेदार नहीं है इसका मतलब है कि हिंदुजम की तरह का तस्वर नहीं है कि जैसे ब्राह्मण होते हैं कि फला कबीले के लोगों का कब्जा इस्लाम पर फला बिरादरी का कब्जा इस्लाम पर फला तबकात का कब्जा इस्लाम पर उसमें ऊँच और नीच का फर्क है और वह कुरान का इल्म कोई और नहीं ले सकता गरीब नहीं ले सकता सिर्फ अमीर ले सकता है वगैरह वगैरह यह माना है कि कोई ठेकेदार नहीं <laughs> कि हर शख्स को हक है कि कुरान की तालीम ले जैसे हर शख्स स्कूल टीचर बन सकता है इंजीनियर बन सकता है डॉक्टर बन सकता है लॉयर बन सकता है जज बन सकता है जो जितनी मेहनत करे जिस फील्ड में बन सकता है सो जो मेहनत करे वो आलिम भी बन सकता है वो कुरान पर मुफ्ती भी बन सकता है हदीस पर इल्म दीन पर किसी तबके का ठेका नहीं ये माना है इसका ये माना नहीं है कि दो दिन भी कुरान और हदीस और तफसीर को पढ़ने पर ना लगाए और फिर मुहदस भी कहलाए मुफसर भी बने फतवे भी दे राय भी दे और कुरान की आयात की शराब भी बैठ के बयान करे ये सरासर जुल्म है यह यह यानत है तो किसी का ठेका नहीं है इसका माना समझना चाहिए कि ठेके से मुराद क्या है कि किसी खास खानदान कबीले की कि मिराश नहीं है ये पूरी उम्मत के लिए हर इंसान के लिए आम है जो चाहे इल्म करे जो चाहे अमल करे और जितने दर्जे ऊपर चाहे पढ़ता चला जाए सिहाबा कराम के बाद ताबीन के जमाने में बेशुमार आइम ऐसे थे जो गुलाम थे मुख्तलब बड़े बड़े कबाइल के आज़ाद हुए आज़ाद गुलाम थे और हदीस में इमाम बने आज़ाद गुलाम थे मौला थे किसी कबीले के आज़ाद करदा गुलाम और इम तफसर में इमाम बने इल्म फिक्र में इमाम बने बड़े बड़े मुकाम तक पहुँचे और आज़ाद कबाइल के बड़े बड़े रहबर और सरदार घुटने टेक कर उनके सामने बैठते थे जो कल किसी कबीले के ग़ुला थे और आज़ाद हो गए थे ये माना है कि किसी का ठेका नहीं है खा गुलाम का बच्चा हो खा किसी गरीब का बच्चा हो खा अमीर हो खा आम आदमी हो जो शख्स मेहनत करे पचास बरस इसमें लगा दे चालीस बरस लगा दे मेहनत करे तो इसके इल में भी वो ऊंचे से ऊंचे मुकाम तक जा सकता है इसके अमल में भी ऊंचे से ऊंचे मुकाम तक जा सकता है यह मफहूम है इसका मतलब यह नहीं कि वह इल्म पर मेहनत किए बगैर चूंकि कलमा पढ़ लिया है उसका कोई कुरान परेशान हो गया है अब ठेकेदार तो ये बन रहे हैं ना कि बगैर पढ़े इसको ठेकेदार कहते हैं बगैर पढ़े वो राइट समझते हैं कि हम कुरान की शरह करेंगे और दीन के ऊपर फतवा देंगे और अपनी राय देंगे ये ज़्यादती है लिहाजा आज की गुफ्तु यहाँ पर ख़त्म करते हैं और जिन आयात का मैंने जिक्र किया कि इनिशली कुछ बुनियादी आयात का मैं जिक्र करूँगा जिनसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये कहना कि सिर्फ कुरान काफ़ी है और कोई शहजत नहीं इससे किस किस्म की आयात कुरानी का इनकार होता है अगली नशस्त को इनशाला यहाँ से शुरू करेंगे وما علينا الا البلاغ